हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रभास और स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रभास मिश्रा पर। दोस्तों, पिछले साल जब हमारे रेल मंत्री जी पीयूष गोयल थे, तब उनसे संसद में एक सवाल पूछा गया था कि क्या हमारी भारतीय रेलवे का निजीकरण किया जाएगा, तो उन्होंने यहां पे साफ साफ मना कर दिया था। इससे पहले भी वो कई बार मना कर चुके थे, लेकिन एक बार उन्होंने यहाँ पे फिर से मना किया था और कहा था कि हमारी भारतीय रेलवे कभी भी निजीकृत नहीं होगी। लेकिन दोस्तों, हाल ही में जो हमारी रेलवे ने एक फैसला लिया है, उससे एक बात बिल्कुल साफ हो चुकी है कि हमारी भारतीय रेलवे पहले लोगों में आदत डाल रही है प्राइवेट ट्रेनों की, और प्राइवेट ट्रेनों की आदत आ जाने के बाद निश्चित तौर पे हमारी जो रेलवे है वो प्राइवेट होगी। दोस्तों, क्या यहां पे फैसला आया है, कैसे इससे बिहार के यात्री सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे, आज के वीडियो में इस बारे में बात करेंगे पूरी डिटेल के साथ। दोस्तों, सिंपली क्लोज करूं मेरा आपसे आग्रह, यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके अपनी राय भी जरूर बताएं। और कुछ प्रश्न है तो आपका है तो आप इंस्टाग्राम पे जा सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलो उस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि हम यहाँ पे फैसले की बात करें तो यहाँ पे रेलवे का फैसला आया है जिसके मुताबिक अब बिहार में जितने भी LHB कोचेस के साथ चलने वाली ट्रेन है, सभी में स्लीपर के जो डब्बे होंगे वो सिर्फ दो रहेंगे, जनरल के भी दो डब्बे रहेंगे। इसके अलावा जितने भी डब्बे हैं सभी के सभी AC के रहेंगे, थर्ड AC के 10, सेकेंड AC के 4, फर्स्ट AC का एक डब्बा रहेगा। दोस्तों, इस फैसले के लागू हो जाने के बाद जो मिनिमम किराया होगा बिहार से किसी भी शहर में जाने का, यानी कि दिल्ली या फिर मुंबई, कम से कम यहाँ पे 1500 रुपए देने होंगे, जिस कारण से लोगों की जो खर्च करने की कैपेसिटी है वो बढ़ेगी। और दोस्तों, जैसे ही यहाँ पे लोगों की खर्च करने की कैपेसिटी बढ़ेगी रेल यात्रा पे, धीरे धीरे करके हमारी भारतीय रेलवे प्राइवेट ट्रेनें चलाएंगी, और प्राइवेट ट्रेनें चलने के बाद यहाँ पे निश्चित तौर पे जो हमारी रेलवे है वो निजीकृत होगी। दोस्तों, हम इससे होने वाले प्रभावों की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो इससे प्रभावित होंगे वो आम लोग होंगे, क्योंकि यहाँ पर लोगों को जो 500 रुपये में यात्रा करनी पड़ती थी, अब उन्हें इसके लिए 1500 रुपये देने होंगे। और ये जो फैसला है ये पूरी तरीके से गलत है। हमारी रेलवे को चाहिए कि स्लीपर कोचेस की संख्या को बढ़ाया जाए, ना कि घटाया जाए, जिससे यात्री प्रभावित ना हो। दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, नहीं मिलेंगे फिर न्यू डॉक साल तक के लिए। जय हिंद।